नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज का मेरा विषय है कि बहुत लोगों ने डिमांड की है कि मैं डबल चिन के बारे में बताऊं कि वो डबल चिन कैसे खत्म होते हैं, और उसी के साथ मैं आपको ये एक्सरसाइज भी ये वाली एक्सरसाइज बताऊंगी कि जिससे आपकी गर्दन लंबी और बहुत सुंदर हो सके। जैसे गर्दन थोड़ी लंबी होती तो लुकवाइज बहुत अच्छा लगता है, तो उसके मैं आपको आज कुछ एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि बहुत इजी है। आप जब भी खाली बैठे हो या टीवी देख रहे हो उस वक्त भी आप वो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत है। तो एक तो डबल चिन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये वाली एक्सरसाइज है। यदि आपकी डबल चिन आ जा रही है, यहाँ पे बहुत लग रहा है, यहाँ से बहुत फुलावट हो गई, आपके मोटापा यहाँ तक लटक रहे हो जाता है ना मोटापे के कारण, तो उस चीज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है कि आपको इस तरीके से एकदम गर्दन को एकदम से आपको सीधा करना है। देखिए, जब आप ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे आपको आप एक खिंचाव सा लगेगा, और ये जो जबड़ा का जो लाइन आता है जो होता है उसमें आपको एक फील होगी कि हाँ यहाँ पे एक लाइन आ रही है, और इसको आप 1 to 30 तक आप काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये ऐसे करो। आपको एकदम पीछे तक इसको करना है, जितना ज्यादा आपके पीछे तक जा सकता है उतना पीछे करना है, और आपको इसमें ये फील करना है कि इसमें खिंचाव आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे करके नरम नहीं होना चाहिए स्किन की, यदि यहाँ पे ढीली होगी तो आपका वो एक्सरसाइज इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें पूरी तरह से खिंचाव होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि यहाँ से चमड़ी मेरी टन रही है, ठीक है। फिर ऐसे करके आपको धीरे धीरे फिर ऐसे डाउन में ऐसे करना, और डाउन में भी आपको एकदम से जितना ज्यादा डाउन कर सकते उतना ज्यादा आप डाउन करिए, और फील करिए कि आपके पीछे की स्किन भी बहुत खींच रही हो, और 1 से 30 तक आपको यहाँ तक भी काउंट करना है। ऐसे करके आपको एटलीस्ट 5 times आप डेली करिए ये वाली एक्सरसाइज। ऐसे करके तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये चमड़ी जब खींचती है तो यहाँ की स्किन आपकी धीरे धीरे जो फैट है वो आपका कटता जाएगा, और आपका डबल चिन यदि आ रहे तो वो भी मिटता जाएगा। लेकिन बहुत लोगों की नेक यदि छोटे थे, गर्दन यदि छोटी है और डबल चिन आया हुआ, तो बहुत लोगों का नेक इस तरह नहीं मुड़ पाता है। फिर भी मैं उन लोगों से कहूंगी आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए, शायद आप लोग का धीरे धीरे हो जाए। तो इस तरीके से आप यदि करते हो 5 times अप एंड 5 times डाउन में आपको करना है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है इसकी आपकी, आपको इस तरीके से गर्दन 1 to 30 तक करना है। यहाँ पे भी देखिएगा आपको एक खिंचाव लगेगा एकदम, तो बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि यहाँ पे एक खिंचाव आ रहा है। तो वो खिंचाव आ रहा है इसका मतलब आपकी चर्बी कट रही है, और इसमें बहुत ही आपको अच्छा फील होगा बाद में जब आपकी धीरे धीरे होगी। इससे आपकी गर्दन यदि थोड़ी छोटी है तो वो भी बढ़ने के चांसेस है। एक बार इधर किया, फिर इधर में 30 times काउंट किया, फिर इसको भी इसी तरीके से 5 times करना है। यदि आपने एक बार ये चीज इधर में ऐसे की है तो, और बहुत ही स्लोली आपको करना है, गर्दन का मामला इसलिए आपको हड़बड़ा के कुछ भी नहीं करना है। इस तरह 1 to 30 तक आपको काउंट करना है इस तरीके से, और इस जब आप इधर में एक बार करें तो इधर में भी आपको 5 बार ही करना होगा। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, चाहे 5 बार करो चाहे 10 बार करो, वो चीज होनी चाहिए। तो ये हो गई पहली फर्स्ट एक्सरसाइज, ये वाली हो गई अप एंड डाउन। सेकंड हो गई ये वाली जो मैंने आपको अभी बताई। अब थर्ड है, आपको इस तरीके से टर्न लेना है। इसको भी जितना ज्यादा आप घुमा सकते हो उतना घुमाइएगा। यहाँ पे भी आपको एक नस खींच, मतलब चमड़ी आपकी खींचती हुई से नजर आएगी। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें आपको बहुत तरह के फायदे मिलेंगे। गर्दन तो दुबली पतली होगी और लंबी भी होगी साथ में थोड़ी, और इसके बहुत सारे फायदे। इसको भी इसी तरह 5 times आप इस तरह और इस तरह करिए। तो ये तीसरी एक्सरसाइज थी मेरी, और एक और आखिरी एक्सरसाइज। आपको बहुत ही स्लो मोशन में आपको ये एक्सरसाइज सब करनी है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टार्टिंग में 5 times करके करिए, बाद में धीरे धीरे आप 10 times करिए तो भी चलेगा आपका। अब आपको इस तरीके से 1, 2 एकदम धीरे धीरे आपको स्लोली स्लोली इसी तरीके से आपको गर्दन को हिलाना है, राउंड घुमाना है। ये 5 times आपका हो गया इधर।
अब जैसे आपने ये 5 times इधर घुमाया तो आपको वापस उल्टा 5 times आपको फिर से घुमाना है एकदम धीरे 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 धीरे। अभी 5 times मैंने दोनों साइड घुमाया है तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी आप चाहे हाथ की हो, पाव की हो, चाहे गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज करो तो 1 sit-up जितनी करते हो तो दूसरे साइड भी सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये आप यदि करते हो, गले गर्दन की एक्सरसाइज करते हो तो इसमें आपका एक तो रीढ़ की हड्डी में भी बहुत खिंचाव आता है तो वो भी एक परफेक्ट रहती है, प्लस आपकी इधर में भी कोई नस टन रही होती है तो बहुत एक आप देखिए जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ऐसा लगेगा गर्दन में बहुत आपको रिलैक्स मिल रहा है। इसके 2-3 फायदे हैं, एक तो आपको रिलैक्स भी मिलेगा, दूसरी आपकी गर्दन की शेप जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, यदि आपके फैट है गर्दन में तो वो भी आपके कटने लग जाएगा, डबल चिन है तो वो भी आपका धीरे धीरे टाइम, यदि बहुत ज्यादा डबल चिन है तब तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, यदि थोड़ा बहुत है तो आपके 1-1.5 महीने में आपको फर्क पता पड़ जाएगा। मैं देखिए कोई भी थंबनेल में झूठ नहीं लिखती, इसलिए शायद मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि मैं जो होता है वही लिखती हूँ। लोग थंबनेल में लिख देते कि ऐसा ये 1 दिन में ठीक हो जाएगा तो लोग देखते हैं, मुझे झूठ बोल के अपना कोई भी व्यू नहीं बढ़ाना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग मेरे हर वीडियो पे जब थंबनेल जो देखते हैं वही आपको अंदर में भी आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि डबल चिन की एक्सरसाइज और अपनी गर्दन को सुंदर बनाने की एक्सरसाइज कौन कौन सी है, मैं फिर से एक बार आप लोग को रिपीट करके बताती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है अप एंड डाउन ये, और दूसरी है 1 and 2, और तीसरी है ये, और चौथी है इस तरीके से आपको गर्दन को राइट एंड लेफ्ट घुमाना है। तो ये 4 एक्सरसाइज यदि आप करते हो तो आपकी गर्दन की शेप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगी, ये मेरा दावा है आप लोगों से, और आप इस एक्सरसाइज को आजमा के देख सकते हो। कम से कम यदि आपको बहुत ज्यादा सुंदर बनाना है तो कम से कम 2-3 महीने तक तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, यदि आप 1 दिन करोगे 10 दिन करके बाद में यदि छोड़ दोगे फिर बोलोगे कि दीदी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये बात नहीं, इस एक्सरसाइज को करने में आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत फैट है तो देखिए बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन यदि ज्यादा फैट है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी डबल चिन कितने ज्यादा है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगी इस बात को कि बहुत सारे लोगों की गर्दन छोटी रहती है और डबल चिन रहता है तो पीछे तक नहीं जा पाती है, फिर भी मैं उन लोगों से कहूंगी कि आप एक बार कोशिश करके देखें, क्या पता शायद धीरे धीरे आपकी गर्दन में फर्क आएगा। यदि अप एंड डाउन में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस अप एंड डाउन वाली एक्सरसाइज को छोड़कर बाकी जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। एक बात और मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले एक और एक्सरसाइज 1 मिनट के एक्सरसाइज से वेट रिड्यूस करने का मैंने एक्सरसाइज बताई थी कि 1 मिनट में आप अपना वेट कैसे, 1 मिनट की एक्सरसाइज से आप अपना वेट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी लॉकडाउन में मैं भी 15-20 दिन ही मैंने वो एक्सरसाइज की थी तो मैंने अपना 3 kg वेट रिड्यूस किया है सिर्फ 1 मिनट के एक्सरसाइज से, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड किया हुआ है तो आप उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो यदि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। तो बहुत ही अच्छे टिप्स है, और सिर्फ ये मैंने ही नहीं, मेरे भैया ने भी किया, मेरे भैया काफी हेल्दी है, उन्होंने भी 1 महीना किया तो उनका भी वेट रिड्यूस हुआ है 3 kg। उसके साथ मैं बता दूं और भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों ने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई खाने में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, उसके बाद हम लोगों का 3 kg वेट रिड्यूस हुआ है। यदि आप खाने में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे तो शायद आपका और भी ज्यादा वेट रिड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही एक बात कहूंगी कि मेरी कोई भी टिप्स फालतू नहीं है, सब इफेक्टिव है, आप आराम से कोई भी टिप्स को आप आजमा के देख सकते हो, और वो 1 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप प्लीज मेरे चैनल में जाके उस एक्सरसाइज को आप देख सकते हो और कर सकते हो, इससे बच्चे बूढ़े यंग सब कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये टिप्स अच्छी लगी होगी, यदि प्लीज आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ जय श्री कृष्ण, अलविदा।